दोस्तों क्या आप जियो फोन लेना चाहते हैं? अगर आप भी जियो फोन लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखते रहिए। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्यों आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा देकर माइक्रोमैक्स भारत 1 लेना चाहिए जियो फोन की जगह पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ये रेड बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जियो फोन की कि आपको जियो फोन कितने का पड़ता है और आपको क्या कुछ मिलता है जियो फोन के साथ। देखो अगर आपको जियो फोन लेना है तो आपको पहले इसके लिए 1500 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा। आपको 3 साल तक ये फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद 3 साल बाद जब आप ये फ़ोन वापस दोगे तो आपको आपके 1500 रुपये वापस मिल जाएंगे। इस तरह से आपको ये फ़ोन फ्री का पड़ेगा। लेकिन आप ये खुद सोच के देखो, क्या 3 साल बाद आपके फ़ोन की कंडीशन ऐसी होगी कि आप ये फ़ोन वापस देकर अपने 1500 रुपये वापस ले पाओ? और इसके साथ जो आपको प्लान मिलेगा वो मिलेगा 153 रुपीज़ का। 153 रुपीज़ में आपको 500 MB डेली का 4G डेटा मिलेगा अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ। 500 MB खत्म होने के बाद आपका डेटा तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन जो स्पीड है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। माइक्रोमैक्स भारत 1 की मैं बात करूं तो उसके लिए आपको पे करने होंगे 2200 रुपये। माइक्रोमैक्स ने टाई अप किया है BSNL के साथ, तो इसके साथ आपको BSNL का प्लान दिया जा रहा है 97 रुपीज़ का। 97 रुपीज़ मंथली में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉल तो दी जा रही है, साथ में आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा। लेकिन इसमें आपको 4G डेटा नहीं मिलेगा, 3G डेटा दिया जाएगा और जो लिमिट रहेगी हाई स्पीड डेटा की वो रहेगी 5GB। उसके बाद जो आपका डेटा है वो तो अनलिमिटेड रहेगा लेकिन जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो हो जाएगी 80 KBPS पर। तो आप यही मान के चलो कि आपको 97 रुपीज़ में 5GB मंथली 3G डेटा मिलने वाला है। तो ये तो थी प्लान की बात। अगर हम बात करें कि दोनों फ़ोन में क्या कुछ सेम मिलता है आपको, तो दोनों में ही आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 205 का प्रोसेसर मिलता है। स्क्रीन भी दोनों की सेम है 2.4 इंच। रैम भी दोनों में 512 MB है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी दोनों में आपको 4GB दी गई है। दोनों में ही आपको माइक्रो एसडी कार्ड के लिए डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है और कैमरा भी दोनों का सेम है 2 MP रियर और 0.3 MP फ्रंट। FM रेडियो भी आपको दोनों में ही दिया गया है। बैटरी भी यहाँ दोनों की सेम है 2000 mAh और जो टॉर्च लाइट है वो भी आपको दोनों में दी गई है। अब पहले हम बात करेंगे जियो फोन में क्या क्या कमियाँ हैं और क्यों आपको इसको इग्नोर करके माइक्रोमैक्स भारत 1 लेना चाहिए। देखो एक तो जियो फोन काफ़ी स्लो है, जैसे एक नॉर्मल फीचर फोन होना चाहिए ये वैसा नहीं है। अगर आप इसमें कॉन्टैक्ट्स वगैरह भी सर्च करते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है सर्च करने में। नॉर्मल एप्लीकेशन भी आप ओपन करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ तक कि आपको डायलर ओपन करना है तो वो भी एकदम बटन प्रेस करते ही ओपन नहीं होगा, उसके लिए भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे कि आप जानते हैं इसमें आपको व्हाट्सएप नहीं मिलता, कब इसका अपडेट आएगा उसके बारे में अभी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसमें आपको फेसबुक और यूट्यूब की एप्लीकेशन नहीं मिलती। हालांकि ब्राउजर में जाके आप यूट्यूब या फेसबुक चला सकते हो, फिर उसमें इतना मज़ा नहीं आता जब तक इनबिल्ट आपको एप्लीकेशन ना मिले। और जियो फोन में आपको वाईफाई तो मिलता है लेकिन हॉटस्पॉट आपको नहीं दिया गया। और इसमें एक तो आपको सिंगल सिम मिलता है, दूसरा इसमें आप सिर्फ जियो का ही सिम यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे जियो फोन के। अब हम बात करते हैं माइक्रोमैक्स भारत 1 की कि क्यों आपको वो लेना चाहिए जियो फोन की जगह पे। एक तो आपको माइक्रोमैक्स भारत 1 में एंड्रॉयड इंटरफेस मिलेगा जो कि काफ़ी फास्ट है जियो फोन के कंपैरिजन में। दूसरा, इसमें आपको प्लान तो मिलता है BSNL का लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वही प्लान यूज़ करो, आप इसमें कोई भी सिम यूज़ कर सकते हो। 4G वोल्टी को ये डिवाइस सपोर्ट करता है और ड्यूअल सिम आप इसमें लगा सकते हो। अब चाहे आप जियो का सिम लगाओ या कोई और लगाओ, आपकी मर्जी है। माइक्रोमैक्स भारत 1 की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसमें आपको वाईफाई के साथ साथ हॉटस्पॉट भी मिलता है, तो आप अपना मोबाइल डेटा इजीली शेयर कर पाओगे। और आपको इस फ़ोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये सब एप्लीकेशन इनबिल्ट दी गई हैं और आपको एक स्टोर भी मिलता है जिसमें धीरे धीरे और एप्लीकेशन ऐड की जा रही हैं। 2200 रुपये देकर आप ऑफलाइन मार्केट से ये फ़ोन ले सकते हो। जियो फोन आपको इफेक्टिवली 1500 का पड़ता है तो ये फ़ोन आपको 2200 का पड़ेगा। मेरे अकॉर्डिंग 700 रुपये एक्स्ट्रा भर के आपको काफ़ी कुछ अच्छा मिल रहा है जियो फोन के कंपैरिजन में। बाकी आप बताना मुझे कमेंट करके कि आपको अगर जियो फोन या माइक्रोमैक्स भारत 1 इन दोनों में से एक फ़ोन चूज़ करना हो तो आप कौन सा फ़ोन चूज़ करोगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।